इटावा औरैया के जिला सहायक निबंधक और एडीओ सी ओग ने सरकार के गेहूं केंद्रों को दलालों के हवाले कर दिया है। किसान बेहद परेशान है। शिवपाल ने कहा है कि NH2 के निर्माण में अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे के चेक किसानों से कमीशन लेकर दिए जा रहे हैं। एडीएम कार्यालय में तैनात दो बाबू मुआवजे की चेक देने में लंबी कमीशनखोरी कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट ने इटावा डीएम को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि इटावा की डीएम पीड़ितों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती है। और कहीं पर भी जाइए तो बाजाना नहीं, पैसा नहीं, बहुत दिक्कत किसान के साथ में आ रही है। पूरे जनपद डेटा और औरैया दोनों फ्लाई ओवर बन रहा है, वहाँ पर बिना 5% से लेकर सिर्फ 10%, बहुत से लोगों को तो अभी दिया ही नहीं पैसा। तो इसकी जांच होना चाहिए, खुली जांच होना चाहिए और निष्पक्ष जो ईमानदार अधिकारी भेजा जाए, मेरी तो मांग है ईमानदार अधिकारी भेजा जाए।